ओके, विशाल का क्वेश्चन है, भाई मैंने जून 23 में बोथ ग्रुप्स दिए थे, चेकिंग की वजह से फेल हुआ, एंड देन दिसंबर 23 में ग्रुप वन दिया 150 आए, अगेन फेल, एंड नाउ जून 23 में फिर से मॉड्यूल वन दिया 190 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, वही ग्रुप की प्रिपरेशन करूँ या सेकेंड वन की? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए विशाल, आई नो आप एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, ऊपर से ICSI ने ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का भी एक गुगली डाल दिया आपकी लाइफ में, जो कि नेसेसरी नहीं था। बट देखिए ICSI है ना, जो भी लेफ्ट ओवर्स रहते हैं, जिन जो भी स्टूडेंट्स के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं ना, ICSI उनके इंटरेस्ट का इतना ध्यान नहीं रखता है। ICSI जो भी सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ना, उन्हें चांस देता है, वेरस जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स, देखिए आप ओल्ड सिलेबस कब से प्रिपेयर कर रहे थे, अभी उन्होंने बोल दिया ICSI ने कि न्यू सिलेबस आपको लेना है, तो लो। वैसे सेम इंटर्नशिप में होता है, कभी 15 मंथ्स, कभी 21 मंथ्स, ओके, बट देखिए लाइफ फेयर नहीं है। इवन मतलब डोंट एक्सपेक्ट किसी से भी कि वो आपके लिए फेयर टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, लाइफ ऐसी है। बट देखिए अभी हम अगर थोड़ा लॉजिकल चलते हैं तो देखिए, आपने ओल्ड सिलेबस इतना प्रिपेयर किया है विशाल, फर्स्ट मैं तो होप करूँगा कि ये जून में जो आपने ग्रुप वन दिया है, लाइक आई विल प्रे कि आप इसी अटेम्प्ट में निकल जाओ, एंड देन दिसंबर में जो आपका लेफ्ट जो भी बचा हुआ सेकेंड ग्रुप है, आप उसको पास करके निकल जाओ। ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, राइट, कि आप इसी ग्रुप इसी अटेम्प्ट में निकल जाओ जून के, और जो बचा हुआ ग्रुप है वो देखे वो भी पास कर लो, राइट, जो दिसंबर 24 में आएगा। बट वॉट इफ लेस चांसेस पकड़ते हैं कि अगर आप इस अटेम्प्ट में वापस फेल हो गए, राइट, तो थोड़ा सा और मतलब और वर्स हो जाएंगी, मतलब और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैं बोलूँगा कि देखो, कोशिश करो कि अगेन ओल्ड सिलेबस में रहना दिसंबर 24 के लिए, और जिस ग्रुप को आप प्रिपेयर कर रहे थे वही ग्रुप देना, उसमें कुछ चेंजेस मत लाना, राइट। आप क्या करोगे, अगर सेकेंड ग्रुप पढ़ोगे जो कि आपने इतने टाइम से पढ़ा भी नहीं है, उसी ग्रुप को वापस देना दिसंबर 24 में, और स्विच ओवर मत करना। स्विच ओवर में अलग कुछ भी चेंजेस रहेंगे वो पढ़ना पड़ेगा, राइट, आपने क्लासेस नहीं ली होंगी न्यू सिलेबस की, मोर ओवर सेम रहेगा, बट फिर भी क्यों वो चेंज, उस चेंज एक बार वो चेंज के लिए आप रेडी नहीं हो, जो आपने जो भी आप अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो, जिस पिच पे आप कब से खेल रहे हो, आई विल से कि आप उसी पिच पे जाओ एक बार थोड़े बिलीव से। अगर आप फेल होते हो तो वापस से एक ही ग्रुप देना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ एक ही ग्रुप, क्योंकि देखो दो ग्रुप एक इल्यूजन है कि मैं दोनों ग्रुप दे देता हूँ ICSI पास कर देगा, वो इस लाइक कि आप किसी आपके ओपोनेंट से रहम की गुंजाइश कर रहे हो कि वो मेरे को पास कर देगा, प्रोबेबिलिटी में मेरा नंबर आ जाएगा, या थोड़ा सा ICSI पुश कर देगा, रिलीफ दे देगा, ग्रेस दे देगा। बट आई विल से कि ICSI से कुछ भी इवन दो एक्सपेक्ट मत करो कि ज़्यादा पासिंग, देखिए बट ओल्ड सिलेबस का एक बात रहेगी कि आई एक्सपेक्ट कि पासिंग परसेंटेज अच्छा आएगा, इस बार CA का रिजल्ट भी अच्छा है, तो जून में पास होने के हाईएस्ट चांस है, इफ नॉट तो दिसंबर में ओल्ड सिलेबस में वही ग्रुप वापस देना, राइट, विल बी वेरी इजी। न्यू सिलेबस में तभी स्विच करना जब ICSI ने मैंडेटरी कर दिया, और ICSI ने पहले बोला था कि जून 24 ही लास्ट होगा, अभी दिसंबर 24 कर दिया है, और हो सकता है अगर अच्छे चांसेस रहे तो जून 25 भी लास्ट कर देगा अटेम्प्ट, मतलब बढ़ा देगा, एक और एक्सटेंशन दे देगा। बट इतना होप मत करना कि ऐसा होगा, तो आई विल से कि वही ग्रुप दो, पहले तो पास हो जाओ, पास हो जाएंगे बहुत ही अच्छी बात है, अगर बाई चांस फेल होते हो तो उसी ग्रुप के लिए वापस दिसंबर 24 में बैठना, कुछ भी चेंज मत लाना, कोई न्यू ग्रुप में मत लाना, न्यू स्विच ओवर मत करना, उसी पे प्रैक्टिस करते रहो, यू विल पास, ओके। एंड आई नो थोड़ा सा टफ है, बट इट्स ओके, इट इज़ वॉट इट इज़, राइट, हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम का है, सर मैंने मई में CSET क्लियर किया था, तो मैं दिसंबर में दोनों ग्रुप के लिए इनाफ रहेगा, मतलब कितने मंथ्स का प्रिपरेशन करना होगा, प्लीज़ बताइए। तो दिसंबर में सिंगल देना चाहिए या बोथ? अगर आप मई में आपने CSET क्लियर किया तो मैं बोलूँगा, मतलब आपके पास, और दिसंबर में आप अपेयर कर रहे हो दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप का आई थिंक आपका सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं होगा, सिलेबस प्लस रिविजन, मतलब क्लासेस कम्प्लीट हो गए आपके, मेरे हिसाब से तो दोनों ग्रुप के क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए होंगे। देना है तो एक ग्रुप दे दो, सिंगल एक ही ग्रुप दे दो, वो भी देना है तो, अदरवाइज दोनों ग्रुप के लिए जून 25 में अटेम्प्ट करना, दोनों ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर करके। जस्ट देना है सोनम कि आप जस्ट ट्राई करना चाहते हो कि एग्जीक्यूटिव का कैसा एक्सपीरियंस होता है, जाके बिंदास एक ही ग्रुप के लिए अपेयर करो, दोनों के लिए आई डोंट थिंक सो, मतलब दोनों आपके आपकी प्रिपरेशन नहीं होंगी, क्यों एक फेल का टैग लेना और क्यों अपना कॉन्फिडेंस तोड़ना, इससे अच्छा एक ग्रुप देना है दिसंबर में दे दीजिए, अदरवाइज दोनों के लिए जून 25 में दोनों ग्रुप देना, ओके। आयुष पांडे का क्वेश्चन है, देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बीकॉम एंड ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम? अगर CS के साथ ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम करे तो लिस्टेड कंपनी में जॉब मिलने में दिक्कत होता है क्या?
देखिए पहली बात तो बीकॉम हम क्यों करते हैं, आधे लोगों को क्लियर ही नहीं है। बीकॉम हम सीए प्लस बीकॉम या सीएस प्लस बीकॉम या सीडब्ल्यूए प्लस बीकॉम, बीकॉम को हम इसलिए करते हैं ताकि वो अगर हमारा ये सीए सीएस सीडब्ल्यूए ना निकले तो हम बीकॉम के बेसिस पे कोई लिस्टेड कंपनी में जॉब लग जाए, इसलिए नहीं। हम बीकॉम के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, राइट, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक या कोई सीबी के, इनके एग्जामिनेशन के लिए अपियर करें, एलिजिबिलिटी हम अपियर कर सके, इसीलिए हम ग्रेजुएशन करते हैं। अगर हम ये प्रोफेशनल कोर्स ना निकले, हम बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, जो भी रीजनल रूरल बैंक जूनियर एसोसिएट या आरआरपीओ की जो भी एग्जामिनेशन आती है प्री मेंस, उनके लिए हम अपियर कर सके, इसलिए हम बीकॉम करते हैं। चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी से हो या ओपन यूनिवर्सिटी से हो या नॉर्मल बीकॉम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बीकॉम सिर्फ वो बीकॉम की डिग्री इसीलिए काम आती है ताकि आप ये बैंकिंग इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर पाओ, अगर आप सीए सीएस ना निकलो। बाकी बीकॉम का कोई भी कंपनी में कुछ भी रोल नहीं रहता। मैंने भी बीकॉम किया नहीं है, बट मेरा वन ऑफ द मतलब वो डिसीजन मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। अगर सीएस ना होता तो लाइक मैं ड्रॉप आउट हो जाता, फोर्स ड्रॉप आउट हो जाता, राइट, मेरे मन से नहीं, बिकॉज मैंने बीकॉम नहीं किया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम राकेश का क्वेश्चन है, भाई मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव के 3 अटेम्प्ट दिए बट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है और मेरा बीकॉम भी नहीं और मैंने बीकॉम भी नहीं किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी बैकअप करियर ऑप्शन। देखिए बिकॉज अभी देखिए सीएस इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, पहले तो राकेश में बोलूँगा प्लीज़ कोशिश कीजिए, आपका बीकॉम कीजिए एंड सीएस भी देते रहिए। अभी आप 21 इयर्स ओल्ड हो, ज़्यादा एज नहीं हुई आपकी, एंड बीकॉम कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सीएस नहीं निकलेगा तो आप बैंकिंग की मतलब फिर आप करोगे क्या लाइफ में, कौन सा ऑप्शन है, क्या करोगे, सीए सीडब्ल्यूए, राइट, सीएस कर रहे हो तो आप आई डोंट होप कि आप सीए सीडब्ल्यूए करोगे, सीडब्ल्यूए कर सकते हो, राइट, बट उसके भी चांसेस कम है क्योंकि एक प्रोफेशनल एग्जाम। फिर आपके पास जो सेफेस्ट ऑप्शन है, जो आपका लाइफ सेव, उल्टा बैंकिंग इंश्योरेंस इनको लाइफ सेविंग कोर्स बोलते हैं, मतलब जो सी ए सी एस सी डब्ल्यू ए से फेल होते हैं बाद में दे नीड कि हमें कोई जॉब लग जाए, दैट्स वाई दे गिव दिस बैंकिंग की एग्जामिनेशन इंश्योरेंस की, जिसमें रिस्पेक्ट भी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है, राइट, अच्छा पे स्केल है, गुड पे स्केल है, बस जूनियर। और अगर आप पीओ बन जाते हो तो वो तो आई थिंक प्रोबेशनरी ऑफिसर इज सेम लाइक सी ए सी एस सी डब्ल्यू, राइट, उसकी स्टार्टिंग सैलरी भी मच बेटर रहेगी सी ए सी एस सी डब्ल्यू से, बट वो एग्जामिनेशन के लिए आप अपेयर ही नहीं कर पाओगे अगर आपका बीकॉम नहीं हुआ होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा। तो राकेश बोलूंगा प्लीज 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 बीकॉम कीजिए, राइट, एंड सीए सीएस सीडब्ल्यू, ये जो आप सीएस कर रहे हो बिकॉज एग्जीक्यूटिव के 3 अटेम्प्ट्स लग गए, इसको छोड़िए मत, ये भी कीजिए, बट साथ साथ में बीकॉम कंप्लीट कीजिए। इन फ्यूचर अगर आप सीएस छोड़ते हो देन यू कैन स्विच टू कोई भी बैंकिंग की एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस की, इनकी एग्जामिनेशन, एंड वो एग्जामिनेशन इजी रहती है विद गुड पे स्केल, गुड रिस्पेक्ट वगैरह, राइट, जूनियर एसोसिएट जिसको क्लर्क भी बोलते हैं और पीओ जिसपे आई थिंक प्री मेंस एंड इंटरव्यू रहता है, और जूनियर एसोसिएट जिसमें सिर्फ प्री और मेंस रहता है, एंड यू गेट द जॉब, राइट, वो भी गवर्नमेंट जॉब, ओके, एंड दैट टू रिस्पेक्टेड जॉब जिसमें छुट्टीज भी है, हॉलीडेज भी है, अच्छा पे स्केल भी है, इसीलिए बीकॉम करते हैं। तो आई होप मैंने बीकॉम का डाउट क्लियर कर दिया होगा, राइट, सीएस प्लस बीकॉम सीए प्लस बीकॉम, इसलिए बीकॉम मस्ट है। आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया, इवन दो मैंने भी बीकॉम नहीं किया था, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था तब तक कि ये बैंकिंग की एग्जामिनेशन को अपेयर करने के लिए आई नीड ग्रेजुएशन, मुझे पता नहीं था वो, राइट, बाद में बिकॉज मेरे को अटेम्प्ट्स लगे एंड देन आई फाइंड आउट कि मैं कोई कोर्स ढूंढ रहा था एंड मुझे पता चला कि मैं अपेयर ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने बीकॉम छोड़ दिया था। इसीलिए बीकॉम मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट, ओके, नॉट बिकॉज कि लिस्टेड कंपनी में जॉब लगनी है, बीकॉम का कोई भी उस डिग्री के बेसिस पे कोई जॉब नहीं देगा, बट वो डिग्री के बेसिस पे आप एग्जामिनेशन में अपेयर कर पाओगे। लिस्टेड कंपनी बीकॉम के हजारों बीकॉम कैंडिडेट्स है, राइट, कोई जॉब नहीं देगा बीकॉम के बेसिस पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कशिश का है, भैया आपने पुराने वीडियोज में गाइड किया है मेल करने के लिए, बट एज आई हर्ड बड़ी कंपनीज में मेल के बेसिस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस होता है, विदाउट रेफरेंस मुश्किल होता है, सो व्हाट टू डू। कशिश देखिए, रेफरेंस अगर रेफरेंस है आपका तो बहुत अच्छी बात है, बट मेल के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। इवन तो मैं लिस्टेड कंपनी में लगा था, मेरा फ्रेंड लिस्टेड कंपनी में लगा था, हमने वही किया था, मास्टर डेटा से मेल आईडी उठाई और मेल किया, और कैसे लगोगे आप, राइट, अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो लिस्टेड कंपनी में जितने भी लोग लगे, आपका बोलना है कि वो सारे के सारे जो भी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में अभी जितने भी 5,000 लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑन रेफरेंस बेसिस से हिसाब हो ही नहीं सकता, राइट, तो
वही प्रोसीजर है, आप मास्टर डेटा से मेल आईडी उठाओ, उन सबको मेल करते जाओ करते जाओ। जैसे ही अगर उनके पास वैकेंसी रहेंगी तो एचआर का आपको डेफिनेटली कॉल आएगा, और अगर आपका रेफरेंस है, आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल क्लियर हो प्लस आपका रेफरेंस है कोई लिस्टेड कंपनी में, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आपको सीवीज मेल करते रहना है करते रहना है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी मेल आईडी पे मेल करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ डाले, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके कशिश ने देखा होगा वीडियो, दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिका का है, यू सेड जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है सिर्फ वहीं से ट्रेनिंग कर सकते हैं और ब्रांच ऑफिस से नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आप एग्जैक्ट राइट, मैंने भी राइट बोला था और आप भी राइट ही बोल रहे हो कि जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं से ट्रेनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में विप्रो का ऑफिस है, क्या मैं आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकता हूँ? नहीं, विप्रो का रजिस्टर्ड ऑफिस का है बैंगलोर में, राइट। मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में इन्फोसिस का ऑफिस है, क्या मैं इन्फोसिस में मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कर सकता हूँ? नहीं, इन्फोसिस का रजिस्टर्ड ऑफिस का है बैंगलोर में। मैं जयपुर में हूँ, मैं चलो जलगांव में हूँ, और मेरे को सुप्रीम का यहाँ पे एक रिटेल आउटलेट है, सुप्रीम जो पाइप्स सुप्रीम कंपनी, राइट, उसका रिटेल आउटलेट है, कोई ब्रांच है, क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग वहाँ से कर सकता हूँ? नहीं, सुप्रीम का रजिस्टर्ड ऑफिस का है नवी मुंबई में, तो नवी मुंबई से लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। मैं जलगांव में हूँ, जेएन इरीगेशन का रजिस्टर्ड ऑफिस का है जलगांव में, तो मैं जलगांव से राइट, मैं जलगांव से ही हूँ, जलगांव से मैंने ट्रेनिंग कर ली जेएन इरीगेशन का, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ से ही है। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में, तो वहाँ से ट्रेनिंग। ग्रेविटा हो गई, वैभव ग्लोबल्स हो गई, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में, तो यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हो। तो जिस लिस्टेड कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, नॉट देयर ब्रांचेस, नॉट देयर रिटेल आउटलेट, जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे ही वो ट्रेनिंग कर सकता है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया कि कहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, मेरे सिटीज़ में कितने लिस्टेड कंपनीज है, मेरे सिटीज़ में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि लिस्टेड है एंड उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेरी सिटी में, ऐसे किसके पता चलेगा? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मेल आई डी पे ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके कुछ एक और पॉइंट है इसमें, कुछ चांसेस होते हैं कि जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स मास्टर डेटा में, ये पॉइंट मैं कभी बाद में बोलूंगा, ओके, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मीन्स कुछ चांसेस होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग कहीं और कोई और ऑफिस से भी कर सकते हो, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बट जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं मेंटेन होते, कोई दूसरे सिटी में मेंटेन होते, तो आप ये दूसरे सिटी से भी आपकी ट्रेनिंग कर सकते हो। बट ऐसे चांसेस लाइक 100 में से सिर्फ 2 कंपनीज होंगी, ओके, बाकी 98% ऑफ टाइम आपको आपकी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड ऑफिस से ही करनी पड़ती है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मैंने सारे डाउट आंसर किए होंगे। कोई भी डाउट रहा रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन रीच आउट टू मी, आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके okay?